Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics, खुद को टेस्ट करते रहो क्योंकि मिथिलेश पाल जो है बहुत ही ईमानदार प्रत्याशी है और पिछड़े वर्ग से, ये तीन चार समाज तो पिछड़े वर्ग के ऐसे हैं जैसे पाल हुए और प्रजापति हुए, सैनी हुए, कश्यप हुए, ये सब एक ही तरफ को जाते हैं चुनाव में। आज का माहौल तो योगी मोदी के पीछे है जी, सब टोटल कुमार हो, धीमर हो, सैनी हो, कोई भी कुछ सुरक्षा पे वोट मिलेगी। मोदी योगी जी ने सुरक्षा दी बहुत बड़ी, उसके ऊपर वोटिंग कर रहे हैं। टिकट को लेकर कोई नाराजगी ना, कोई नाराजगी नहीं है, सैनी जी को टिकट नहीं, यही है सब मिथिलेश पाल पे तो जा रहे हैं, सब उसकी योगी की वजह से जा रहे हैं। योगी की वजह है सैनी समाज, जो छोटे समाज आदमी है ये सब इसी पे जा रहे हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसको लेकर हम अब मौजूद हैं सैनी समाज के बीच। इनसे बात करें कि आखिरकार सैनी समाज के बीच में क्या माहौल चल रहा है इस उपचुनाव को लेकर के, और क्या सैनी समाज चाह रहा है इस चुनाव में, किसकी तरफ वे रुख करने वाले हैं और इनकी मांगे क्या हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, चुनाव होना है, उपचुनाव, किस तरीके का माहौल समाज के बीच में? मिथिलेश पाल को माहौल लगा पाते, हम तो सैनी है। राजपाल सैनी भी यहाँ से वो टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके कोई बात नहीं, बात एक ही है भाई, वो तो इस बात की शंका है एक बार उससे मिलन बेचारे को, लेकिन नहीं, उसके भी एक ही बात है, वो दूसरे देखे मिथिलेश पाल को। मांगे क्या हैं आप लोगों की, कि क्या मांगे आपके क्षेत्र में होनी चाहिए? मांगे क्या आ रही है, विकास होना चाहिए, और क्या, थोड़ा बहुत अपना विकास हो जाए सब तरह का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाहर सिंह सैनी है। नाहर जी, आप क्या कहेंगे, चुनाव है, चुनाव, सैनी समाज का रुख क्या है, क्या सोच के चल रहा है चुनाव में सैनी समाज? सैनी समाज जो है वो मिथिलेश पाल के साथ रहेगा क्योंकि मिथिलेश पाल जो है बहुत ही ईमानदार प्रत्याशी है और पिछड़े वर्ग से है, ये तीन चार समाज तो पिछड़े वर्ग के ऐसे हैं जैसे पाल हुए और प्रजापति हुए, सैनी हुए, कश्यप हुए, ये सब एक ही तरफ को जाते हैं चुनाव में। प्रत्याशी अगर कोई मिथिलेश पाल के अलावा और भी आता है तो ये जब भी संगठित हो गए एक ही तरफ को जाते हैं। समाज से राजपाल सैनी जी को टिकट नहीं मिल पाया है, प्रबल दावेदार थे वे, क्या किसी तरीके की समाज में कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। समाज में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, बल्कि ये तय हो गया जो सुनने में आ रहा हमारे कि मुझे फनगर में लोकदल की 2 सीट है, खतौली विधानसभा में जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा वो राजपाल सैनी को जो है वहाँ से टिकट दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? साधुराम सैनी। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के, किसी तरीके का कोई मनमुटाव की टिकट राजपाल सैनी को नहीं मिल पाया? नहीं, मनमुटाव है था लेकिन आज जो मीटिंग हुई इसमें मनमुटाव सब निकल गए, अब राजपाल साथ, राजपाल ने समर्थन दे दिया, हम भी उसके साथ ही। अब तक क्या सोच रहा था सैनी समाज जब टिकट हुआ था मिथिलेश पाल का, किस तरीके की नाराज़? हमने तो अपने गाँव में कहा था हम किसी को वोट नहीं देने के, हम तो अपना घर बैठेंगे, जब हमारे को टिकट नहीं दिया लेकिन आज मीटिंग हुई और मीटिंग में सब हुआ तो आज हम मिथिलेश के पाल साथ। मांगे क्या करते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में क्या काम होने चाहिए, क्योंकि मिथिलेश पाल पहले भी जो है वहाँ से विधायक रह चुकी हैं, वहाँ काम कराओ, उन्होंने सड़क करवाई, अभी जब बनेगी तो काम करेगी, मैं तो बनने हाँ उम्मीद है पूरी। आपका क्या नाम है? पूरण सिंह सैनी। आप क्या कहेंगे पूरण जी, समाज का माहौल रुख क्या है? समाज का माहौल तो योगी मोदी के पीछे है जी, सब टोटल कुमार हो, धीमर हो, सैनी हो, कोई भी कुछ सुरक्षा पे वोट मिलेगी, मोदी योगी जी ने सुरक्षा दी बहुत बड़ी, उसके ऊपर वोटिंग कर रहे हैं। टिकट को लेकर कोई नाराजगी ना कोई नाराजगी नहीं है, आज तक थी, अब कोई नाराजगी नहीं। उससे पहले क्या मन बना रखा था जब नाराजगी थी, जब टिकट जो है लोकदल ने मिथिलेश पाल को दिया? राजपाल के साथ रहते हैं। क्या सोच के चल रहे थे? अपने सैनी समाज को वोट देंगे। जब उनको टिकट नहीं हो पाया और मिथिलेश पाल को हो गया था तब सैनी समाज क्या सोच रहा था कि वोट करेगा किसे करेगा? मिथिलेश पाल को भी छोड़ के अगर वाल्मीकि को टिकट हो जाता तो सारा समाज उसी के साथ रहता। उसकी वजह? मोदी योगी पे फिदा है सब, सब लोग मोदी योगी के साथ हैं। क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में मिथिलेश पाल मोदी योगी पीएम बनेंगे और मुख्यमंत्री योगी बनेंगे। आपका क्या नाम है? बाबूराम सैनी। क्या कहेंगे बाबूराम जी, चुनाव की स्थिति क्या है उपचुनाव में? चुनाव की स्थिति जी, मिथिलेश पाल जी को पर्चा मिल गया है, उसे जिताएंगे जी। आप पहले राजपाल सुनने थे कि राजपाल सैनी जी को पर्चा होगा, जब उनको नहीं हुआ, पार्टी ने पर्चा उन्हें दे दिया है, तो राजपाल सैनी ने सभा बुलाई है और सभा में सैनी समाज के और भी समाज के हैं, पिछड़े वर्ग भी हैं, सभी हैं, और उन्होंने ये मीटिंग रखी है। अब कहीं भी कोई किसी के पक्ष में नहीं जाएगा मिथिलेश पाल से छोड़ के। पहले नाराजगी थी जब टिकट नहीं हुआ था? नहीं, नाराजगी तो राजपाल सैनी को सुनने थे, लेकिन जब पता लगा कि मिथिलेश पाल जी को हो गई है तो अब इनके साथ में है, कोई बात नहीं है, मोदी योगी जिंदाबाद। चुनाव कैसा रहने वाला है? चुनाव अच्छा रहेगा जी, 70-72%
चुनाव करवाएंगे। भाई आपका क्या नाम है? श्यामलाल सैनी ककरौली से। आप क्या कहेंगे, चुनाव की स्थिति क्या है, सैनी समाज किस तरफ रुख करने वाला है? चुनाव की स्थिति बढ़िया है जी। किधर रुक करेगा सैनी समाज, क्योंकि राजपाल सैनी जी को तो टिकट नहीं? यही है सब, मिथिलेश पाल पे तो जा रहे हैं सब, उसकी योगी की वजह से जा रहे हैं। योगी की वजह है सैनी समाज, जो छोटे समाज आदमी हैं ये सब इसी पे जा रहे हैं। क्या लगता है इस चुनाव के अंदर और जितनी भी पार्टियां हैं सब ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, सिर्फ और सिर्फ NDA से राष्ट्रीय लोकदल ने जो है मिथिलेश पाल को उतारा है, तो क्या प्रभाव उसका चुनाव में रहने वाला? कोई प्रभाव नहीं रहेगा, सही सब सही रहेगा, सब सही रहेगा। आपका क्या नाम है? जसवीर सैनी। आप क्या कहेंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव में? स्थिति तो 9 की 9 सीट NDA के पक्ष में जा रही है हमारी यूपी की, क्योंकि योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में क्या होने वाला है? आप हमारे क्षेत्र में बढ़िया बहुमत से जीतेगी मिथिलेश पाल जी। पहले कोई नाराजगी थी राज्यपाल सैनी? नहीं, नाराजगी थी, बाकी जब हमारे मंत्री जी ने, हमारे राज्यपाल सैनी जी ने कह दिया हम समाज के साथ हैं, अपने राज्यपाल सैनी जी के साथ जो आदेश वे करेंगे उनके साथ रहेंगे। तो सुना आपने, यहाँ के सैनी समाज का बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि अब यहाँ का सैनी समाज जो है वो मिथिलेश पाल के साथ रहेगा। इससे पहले जब टिकट हुआ था सैनी समाज के बीच में नाराजगी थी, क्योंकि राज्यपाल सैनी प्रबल दावेदार टिकट के माने जा रहे थे, लेकिन उनका टिकट कटने के बाद इस टिकट को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के द्वारा मिथिलेश पाल को दे दिया गया। लेकिन आज राज्यपाल सैनी के निवास पर हुई सैनी समाज की इस मीटिंग के बाद में ये सारी नाराजगी खत्म होते दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।